देखते हैं कितने बड़े बड़े हो चुके हैं। कुछ इस तरह से अमरूद खिल चुके हैं, पका हुआ भी है। काफी खाने लायक, ये देख सकते हैं। फिलहाल हमने इतने ही जाम तोड़े हैं। दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और सुखी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों आज मैं आपको अपने घर का अमरूद का जो पेड़ है उसमें जो अमरूद खिले हैं उन्हें दिखाऊंगा। देखते हैं कितने बड़े बड़े हो चुके हैं। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से अमरूद खिल चुके हैं और बड़े ही टेस्टी लग रहे हैं देख के। देख सकते हो आप, ये देखिए अच्छे बड़े बड़े हैं अमरूद। ये देखिए। तो दोस्तों देख सकते हैं बड़े ही बड़े बड़े हो चुके हैं अमरूद, पूरे खाने लायक हो चुके हैं। और वो देख सकते हैं उधर पका हुआ भी है ना। तो अमरूद पूरे चारों तरफ अच्छे बहुत अधिक मात्रा में खिले हुए हैं। तो आज हम इनको तोड़ लेंगे और कुछ बांट भी देंगे। तो एक जाम हमने तोड़ लिया है और भी जो जाम दिखाई दे रहे हैं सबको हम तोड़ेंगे। ये भी काफ़ी खाने लायक है, ये भी है, ये देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी। देख सकते हैं क्या टेस्टी जाम दिखाई दे रहा है। ये भी जाम, तो दोस्तों देख सकते हैं चारों तरफ अमरूद ही अमरूद नज़र आ रहा है। काफ़ी अधिक मात्रा में हमने अमरूद तोड़ लिया है, फिर भी अभी भी अमरूद यहाँ है, देख सकते हो आप। फिलहाल हमने इतने ही जाम तोड़े हैं, देख सकते हो आप कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है ये जाम का फल। तो ये है जाम का फल, देख सकते हो आप। फिलहाल हमने इतने ही तोड़े हैं, आगे और भी तोड़ेंगे और खा कर भी दिखाएंगे कैसा लगता है ये स्वाद में। तो दोस्तों जितने भी जाम फल हमने तोड़े थे उन सबको हमने अपने पड़ोस में बंटवा दिए हैं। सभी जितने भी लोग हैं हमारे मोहल्ले में सबके घर में बंटवा दिया है। कुछ दो चार फल ही अपने घर के लिए रखा हुआ है। हम लोग ज़्यादा खाते नहीं हैं क्योंकि हम लोग तो आए दिन जाम का फल खाते ही रहते हैं, घर में इतना खा चुके हैं। और ये हमारे घर का जो जाम का फल है वो 12 महीने वाला है, 12 मासी जिसको कहते हैं। हर मौसम में इसमें फल खिलता है, चाहे सर्दियों का मौसम हो, गर्मी हो, बरसात हो, हर मौसम में इसमें फल आता है। लेकिन सर्दियों का जो फल है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। पर हम लोग खाते रहते हैं तो थोड़ा इंटरेस्ट कम हो गया है, लेकिन हमने मोहल्ले में बंटवा दिया है। अभी और भी फल बाकी है पेड़ पर, तो उसे भी तोड़ कर आगे बंटवा देंगे। तो दोस्तों आप लोगों से भी मैं कहना चाहूँगा कि इस मौसम का जो फल होता है ना वो बहुत टेस्टी होता है, इसे ज़रूर खाया कीजिए, बहुत ही टेस्टी होता है। लेकिन हाँ, जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा वो इग्नोर करें, वो ना खाएं, नहीं तो सर्दी खांसी हो सकती है। तो उनके लिए थोड़ा सा सतर्क रहकर सावधानी से ख्याल रखें, थोड़ा इग्नोर करें, लेकिन बाकी लोग इस फल का आनंद ले सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही था दोस्तों।
अगर आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी सिलेक्ट कर लीजिए। चलिए मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय दोस्तों।